अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक कैंसर हॉस्पिटल में, जिसमें मैं अक्सर आता हूं महीने में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा। लेकिन आज तक मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाता, जो पेशेंट होते हैं उनकी वीडियो नहीं बनाता। लेकिन आज एक भाई है, वो बहुत अच्छा काम करते थे पहले, कारीगर थे, और आज उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लास्ट टाइम हम आए थे तब भी हमने मदद की थी इनकी, और आज ये भाई बोलने लगे कि मुशाहिद भाई आप दिखाइए, वीडियो बनाइए मेरी और दुनिया को दिखाइए कि ऐसे वक्त पे आके लोग अपनों का साथ छोड़ देते हैं। और ये वो फैमिली है कि जो आज इनको माउथ कैंसर है। भाई क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर भाई, हाँ। तो ताहिर भाई आप क्या करते थे भाई? जींस का काम करते, जींस के कारीगर थे, सिलाई करते थे, बहुत बढ़िया पैसा कमाते थे। पर क्या करें, ये फेस कैंसर जो है इसकी वजह से 1.5 साल हो गई, बहुत परेशान है। इलाज करवा करवा के प्राइवेट भी इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब सरकारी में भटक रहे हैं। बाकी अब देखो इंशाल्लाह हो जाए तो, बाकी हमारे मसाद भाई हैं, ये इनने हमारा काफ़ी साथ दिया। पहली मुलाकात में ही ना ही इनने हमें जानते थे ना ही पहचानते थे, बाकी इनने हमारी मदद करी। बाकी कोई रिश्तेदार, कोई भी घर वाला या कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, परेशानियों से गुजर रहे थे। मैं लास्ट हमारी बेटी है 2 साल की, एक बेटा है। परेशान क्यों है? परेशान क्या इसी बात पे है, हमारा आदमी भी मर रहा था जो कमाने वाला है। 5 साल होगा शादी को, 5 साल से ही ऐसी स्थिति में गुजर रही है। 8 दिन सही रह लेते हैं, 4 दिन बीमार पड़ जाते हैं, कभी लीवर प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी फिर एकदम से ये एकदम थोड़ा सा हो गया मुंह में कैंसर। जब लास्ट मंडे में आया था आपके पास में, मैं आपको जानता भी नहीं था। हाँ। फिर मैंने आपको 10,000 की मदद की थी। हाँ, करी थी, बहुत बहुत बढ़िया लगा हमें, आपने 10,000 रुपये मदद करी थी बगैर अनजाने में। बहुत दुआ करी थी अल्लाह तबारक ताला बस ऐसे ही देता रहा सबको, उसके बाद हमको बस हमारी परेशानी दूर कर दे, वरना हमें बस मैके वाले अगर जब भी मांगो 500-1,000 डाल देते हैं, जैसे भी अपना पेट तन काटते हैं हमें डालते हैं बच्चों की खातिर। कभी 6 महीने सही रहते हैं, कभी 8 महीने, उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे। आप गुटके वगैरह खाते? कुछ ही नहीं। अब दिखाओगे अपना फेस? हाँ बिल्कुल, कोई गुटका नहीं, कोई तम्बाकू नहीं, तो यहाँ से बिल्कुल खाली आपका। हाँ ये भी दिखा? नहीं बस ये अभी ऐसे बात करो। ये मतलब ये यहाँ से आपका खोखला हो गया पूरा? ये हाँ, ये खोखला है, ये अंदर से फार है बिल्कुल, ये अंदर से कोई मास नहीं है, सपोर्ट नहीं है इधर कुछ भी। ये फार है बिल्कुल। कितने साल हो गए भाई आपको इस तरह से? 6 महीने हो गए फार भाए हुए हैं जी। इसमें कीड़े भी पड़ गए, बहुत बहुत मोटे कीड़े निकलते हैं, बड़े बड़े। अस्तगफुरुल्लाह, मतलब कीड़े भी पड़ गए आप? कीड़े इसमें इतने इतने बड़े कीड़े हैं, बहुत। तो डॉक्टर को बताया तो वो कह रहा है अक्सर इसमें कीड़े हो जाते हैं, कीटाणु कैंसर निकाल चुके, 600-700 कीड़ा निकाल चुके। इतना इतना मोटा लंबा लंबा कीड़ा निकलता है, बहुत बहुत दिक्कत होती है। जब वो निकल जाते हैं तो थोड़ा सुकून मिल जाता है 2-4 दिन के लिए, फिर एकदम से अचानक से पता नहीं आँख कुदरती पैदा हो जाते हैं अंदर ही अंदर। मेरी बहन आप ही करती हो इनकी? हाँ, मैं हाथों से बीन बीन के फेंकती हूँ। मेरे 2 देवर भी रहते हैं, कोई नहीं झाँकता भैया, सब हैं, पर कोई बुरे वक्त में कोई काम नहीं है, अच्छे काम में सब काम है। ये स्थिति हुई है तब से कोई मतलब नहीं रखते, तो अब बस अकेले आप ही हो? हाँ अकेले हैं। ये लास्ट मैंने पहले ही बताया कि लास्ट हफ्ते मुझे मिले थे, और मैंने बिना इनको जाने में, जानता नहीं था इनको, बिना जाने मैंने इनको 10,000 रुपये दिए थे भाई। हाँ 10,000 रुपये दिए। उससे कुछ सहारा हुआ 10,000 से? हाँ जी, बहुत सहारा हुआ था, घर का खर्चा भी उसी से चला रहे हैं, हॉस्पिटल का आना जाना भी, और इनको दूध पानी जो भी ये पीते हैं वो उसी पैसों से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है इस ज़माने में। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा कि अपने घरों से निकल जाया करो, अपने घरों से निकल कर देखा करो कि ऐसे लोग भी हैं जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। हमने इनकी लास्ट हफ्ते भी 10,000 से मदद की थी, फिर अभी 2,000 रुपये भी हमने इनकी बेटी के लिए दिए थे कि अपनी बेटी के लिए आप कुछ बना लीजिएगा, इत पे कपड़े बना लीजिएगा। और अभी भाई मेरे पास, मैं ज़्यादा तो नहीं है, फिर ये 10,000 रुपये है, रख लो यार।
कोई नहीं, और भी हमारे पास हैं। कोई बात नहीं, आप रखो, रखो ये आपके काम आएंगे, ठीक है। ये टोटल आपको मैं 22,000 रुपये दे चुका आपको, ठीक है, ठीक है ना। 22,000 रुपये आ गया। इन पैसों से आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, इनका ख्याल रखना भी, ठीक है ना, क्योंकि बार बार मदद नहीं होती, हर कोई आके मदद नहीं करता। सही बात है, और क्या ना, ठीक है। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जैसे मसाज भाई जैसे, कि मतलब हर गरीब आदमी की मदद करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है इनकी। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बहन अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि ऐसे लोगों का ख्याल रखो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के ऐसे लोगों की मदद करो। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे लोगों की मदद हमेशा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।